न्याय के हाथों होकर रहेगा न्याय का सर्वनाश। सर्वनाश का तो पता नहीं, पर ये जो रामायण के नाम पर सत्यनाश किया है उसे देखकर तो बस यही बोलने का मन कर रहा है, ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे मारो। और ये जो नीली आंखें और स्पाइक्स कट के साथ 10 सर लगा के तानाजी वाले सैफ अली खान को रावण बनाया है, उस पर तो खुद विभीषण भी ये कह दे कि इसके पेट पे बाण मारिए प्रभु, बाण मारिए। जो लोग रामायण को एक नए तरीके से मॉडर्न रामायण देखने का मन बनाकर बैठे थे वो फिलहाल यही कह रहे हैं, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल। और बचपन से आज तक श्री राम की बस यही छवि आंखों में बसी है, पर ये अलग स्टाइल के मूछो वाले राम ये क्या है? और ये नॉर्मल फिल्म में एनिमेटेड कैरेक्टर्स घुसा दिए हैं या एनिमेटेड मूवी में दो चार इंसानी कैरेक्टर्स, आई डोंट नो। हेलो एंड वेलकम टू अनकट, मैं हूं आपके साथ साक्षी चौहान। प्रभास एंड सैफ अली खान स्टारर आदि पुरुष का टीजर रिलीज हो गया है जो कि एक तरीके से टॉर्चर ही था। मैं तो कह रही हूँ अगर किसी से किल से बैठे हो और उससे खुन्नस निकालनी हो तो उसे ये लिंक सेंड कर देना, कसम से दिल को सुकून ना मिले तो कहना। और मेरे साथ अग्री करेंगे वो सभी लोग जो रामानंद सागर की रामायण देखकर बड़े हुए हैं, और जो जेन ज़ी रह गए होंगे उन्हें ये सुनहरा मौका लॉकडाउन के दौरान प्राप्त हुआ होगा, क्योंकि अब जो देखने को फिलहाल मिल रहा है वो तो ठीक कहा। और ये जो VFX के नाम पर वाहियात क्रिएशन है भाई, इसे देखकर तो ना छोटा भीम वालों का भी सीना चौड़ा हो जाए। और टीवी पर आने वाले नागिन एंड ऑल टाइप ऑफ शोज को तो अवार्ड मिलना चाहिए, मतलब कहाँ गए वो 500 करोड़ भाई, और ये क्या कर रहे हो, मतलब ब्रह्मास वालों के लिए इज्जत बढ़ गई यार। ठीक है उनके डायलॉग्स ने कानों से खून निकाल दिया, फिल्म देखने के बाद कई रातों तक शिवा शिवा की आवाजें कानों में गूंज रही थी। क्या हुआ, कम से कम VFX से आंखों को शांति तो मिल रही थी। और यहाँ इस टीजर को देखकर बस यही कहने को दिल चाह रहा है, अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। जब ये सुना कि रामायण के कॉन्सेप्ट पर एक मूवी बन रही है जिसमें प्रभास प्ले करेंगे राम एंड सैफ अली खान एज रावण, और फिल्म का बजट है 500 करोड़ और डायरेक्टर है ओम राउत जिन्होंने तानाजी जैसी फिल्म बनाई, उसके बाद आपके दिमाग में क्या आएगा कि भाई क्या ही मास्टरपीस बनकर तैयार होगा यार। और मिला क्या, ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। अब जरा बात करते हैं प्रभास की, व्हाई दिस लुक। प्रभास इस राम वाज नॉट एट ऑल अ गुड चॉइस, बिकॉज़ जैसे राम की इमेज हम सभी के दिमाग में बचपन से है उससे कहीं से कहीं तक भी मैच नहीं खाते। बाहुबली वाज अ फिक्शन फिल्म, उधर काम कर गया था ये रफ एंड टफ लुक, पर इधर मजा नहीं आ रहा है। वाकई में मैंने ये टीजर देखा, फिर गूगल पर सर्च किया एंग्री लुक ऑफ राम जी, द ओनली एंग्री लुक आई गॉट इज दिस, एंड हियर इन दिस टीजर दिस राम वाज टोटली अपोजिट। Why nobody stopped Om Raut after Tanaji? कम से कम वो रिकॉर्ड तो खराब नहीं होता कि अच्छी फिल्म बनाई थी एक उन्होंने। और इस रावण को देखकर असली रावण भी अपने आप को खुद तीर मार लेते हैं, क्योंकि ये सहन कर पाना काफी मुश्किल है। चलिए अब थोड़ी बात अपनी सीता की भी कर लेते हैं जिनकी सिर्फ झलकी ही देखने को मिली। कृति सैनन इज प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ सीता, बस इनके बारे में इतना ही, क्योंकि टीजर में भी इतनी ही सेकेंड के लिए दिखाई दी। प्रभास के बारे में तो क्या ही कहूँ, बस बाहुबली के बाद साहो हो या फिर राधे श्याम नई बात बन रही फिलहाल। सो फार नॉट एट ऑल इम्प्रेस विद द टीजर, इसे देखकर फिलहाल तो वाकई में सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट हुई। बाकी टीजर को बर्दाश्त करने के लिए शरद केलकर की वॉइस और जय श्री राम वाला म्यूजिक, ये दो चीजें बेहतर लगी। बाकी तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये नॉर्मल फिल्म में एनिमेटेड कैरेक्टर्स घुसा दिए हैं या फिर एनिमेटेड मूवी में ये दो चार इंसानी कैरेक्टर्स। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता तो ट्रेलर और फिल्म आने पर ही पता चलेगा ना कि टीजर ही वाहियात है या सरप्राइजिंगली मूवी अच्छी निकल जाए, जिसकी मुझे अभी थोड़ी कम उम्मीद लग रही है। बाकी लेट्स सी, क्या पता हो ही जाए, उम्मीद तो यही है, वरना 500 करोड़ पानी में जाते हुए देखकर दुख तो काफी होगा। क्या हुआ मेरे नहीं है तो किसी के तो है ना। वेल, आपको ये टीजर कैसा लगा और आपको क्या लगता है कि ये फिल्म होगी हिट या फिर शिट? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड यस डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। मैं हूं आपके साथ साक्षी चौहान और आप देख रहे हैं अनकट।